नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह में बात होगी 15 अगस्त को लेकर देश में क्या माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा का चक्रव्यूह कैसा है, विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारत कल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस समेत काफी सारे वीरों ने देश के लिए अपना त्याग दिया था और आजाद भारत के सपने को साकार किया था। ये दिन असाधारण वीरों का बलिदान ही है कि हम आज आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इस भारत के बता दें 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम इस बार नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले से अपना भाषण देंगे। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता सभी एथलीटों को भी इस आयोजन के लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया है और ऐसे में कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी आयोजन में भी लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध है और किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराए जाएंगे। देश अब जब आजादी का कल पर्व मनाएगा और ऐसे में जब कुछ घंटे बाकी हैं तो पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चारों ओर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और इस जश्न है आजादी में कोई भी खलल न डाल सके इसलिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले के आसपास खास तैयारी की गई है और लाल किले के आसपास सुरक्षा का इतना सख्त पहरा लगाया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में क्या है सुरक्षा के इंतजाम। लाल किले को चारों ओर से 9 एंट्री ड्रोन रडार तैयार किए गए हैं और ऐसे में बता दें कि फेस रिकॉग्नाइजेशन वाले 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर किसी का चेहरा का ब्यौरा रखा जा सके। साथ ही लाल किले के मुख्य द्वार के बाहर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं, इस लाल किले को सामने से नहीं देखा जा सकेगा और करीब 15 से 20 कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ लाल किला की सुरक्षा में 500 जवानों की तैनाती भी की गई है। साथ ही बता दें सुरक्षा के इंतजाम काफी ज्यादा किए गए हैं इस बार क्योंकि पिछले बार 26 जनवरी को जो हुआ था उसको देखते हुए पूरी दिल्ली में 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और एहतियात के तौर पर दिल्ली की सभी सीमाओं को या तो बंद कर दिया जाएगा या सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर वाहन पर पैनी नजर भी रखी जा रही है ताकि कोई भी वाहन चेकिंग से बच ना सके, इसलिए हर वाहन पर पैनी नजर बनी रहेगी और ऐसे में सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए इसलिए दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के जवान भी तैनात रहेंगे। साथ ही ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और सरकारी इमारतों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बता दें सुरक्षा काफी ज्यादा कर दी गई है 15 अगस्त को देखते हुए क्योंकि दिल्ली में इस बार कोई भी किसी भी तरह की घटना ना हो सके, जिस तरह से 26 जनवरी को हुआ था उसको देखते हुए सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। पंद्रह अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है।
किसानों के आंदोलन और खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपका दिए हैं। पोस्टर में 6 आतंकियों की फोटो लगाकर उनका नाम पता भी लिखा हुआ है। इस साल कृषि कानून के खिलाफ बॉर्डर पर बैठे किसान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल इससे पहले 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा फैली थी, जिसकी वजह से इस बार हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। हालांकि 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, लेकिन 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों का क्या कुछ कहना है, ये आपको दिखाते हैं। आप बताएं किस तरीके से 15 अगस्त मनाएंगे, क्योंकि कल एक वो दिन है जिसका सभी को इंतजार रहता है। आप किसान हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, इस किसान आंदोलन को हमारे लगभग 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आज 262 दिन हो गए। हमें ये नहीं लग रहा हम किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना हमारा अधिकार है, और सरकार संविधान में भी व्यवस्था दी हुई है कि आदमी लोग विरोध कर सकता है और उसकी बात सुनी जाए। लेकिन सरकार ने बात सुनने की जगह हीला हवाली, हमारी अनदेखी की है। और ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं, एक कंपनियों की उद्योगपतियों की सरकार है। तो ये है एक आम किसान जो कि लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, लगभग 262 दिन हो चुके हैं, और अब ये किसान साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो कृषि कानून है उनकी वापसी, MSP पर लिखित कानून बने, तब जाकर कहीं यहाँ से किसान हटेंगे। फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही। आप बताएं, आपसे मुलाकात होती रही है इस आंदोलन में, लगातार वो बातें हुई हैं जो कि यूं कहें कि सरकार कुछ कह रही है, किसान जो चाहते हैं वही उसी बात पर अड़े हुए हैं। अब जब 262 दिन हो गए हैं, लगभग 3 महीने हो गए हैं, क्या कहेंगे भाई? किसान तो अपनी जीत पर अड़ा हुआ और सरकार भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है। जैसे 15 अगस्त का मौका था, अपना देश का पर्व का दिन था, ऐसे में सरकार को भी मान जाना चाहिए था। किसानों के हित के लिए लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे की पहल करके ना किसानों का मसला सुलझा देना चाहिए था। ऐसा पर्व था, इस पर बहुत सारे मसले सरकार की तरफ से हल हो सकते थे। नहीं, झंडा फहराने की बात, टिकैत साहब तो आज कहीं बाहर उत्तराखंड गए हैं, जो दिल्ली में झंडा फहराने की बात नहीं थी। अब तो उन्होंने गाँव में, खेतों में, अपनी ट्रॉलियों पर, उस पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए कहा गया था। हाँ, किसानों के लिए कि सब अपना झंडा खेतों में, गाँव में किसान अपने ट्रैक्टर पर फहराएगा, और ये हमारे देश का गौरव है। 15 अगस्त सभी के लिए एक होता, चाहे किसान हो, जवान हो। किसान ने मन बना रखा, चाहे एक पेट एक बार चावल दाल खा के अपना टाइम काटे, लेकिन लड़ाई पक्की लड़के जाएगा, बिल वापसी करा के जाएगा, और ये सरकार को झुकना पड़ेगा। उम्मीद है झुकेगी 100% सरकार झुके। ये उम्मीद है किसानों की कि सरकार जरूर उनकी बातों को मान लेगी। ये किसान हैं, लगातार डटे हुए हैं, 262 दिन हो गए हैं, लगभग 9 महीने हो चुके हैं, और अब किसानों का साफ तौर पे कहना है, राकेश टिकैत जी का भी कहना है कि ये आंदोलन अभी और जारी रहने वाला है। 3 साल तक का समय और उन्होंने तय कर लिया है कि 3 साल तक अगर कोई भी ऐसी सर्दी गर्मी बरसात देखनी पड़ी उसके लिए हर किसान तैयार है। और अब देश भर के किसान यहाँ यूपी गेट पर जुटने लगे हैं। गाजियाबाद से सहयोगी अंकित पांडे के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार ड्रोन हमले या इस तरह के अन्य उड़ने में सक्षम मशीनों के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए न केवल लाल किले के आसपास बल्कि राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इसका असर दिल्ली की सड़कों पर भी दिखने लगा है। जगह जगह पुलिस की चेकिंग और नाकेबंदी बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, यानी कि 15 अगस्त और उसके बाद भी कुछ दिनों तक सख्ती ऐसे ही रखी जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। खासकर राजधानी के बॉर्डर्स पर कड़ा पहरा लगाया जाएगा और लगा भी हुआ है। वहीं बता दें, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी कि आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषा स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मनाने का ऐलान किया है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जान गंवाने वाले शूर वीरों को याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता, नफरत और हिंसा की वजह से हमारे
लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि ये दिन हमें भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली थी, हालांकि इसके लिए देश को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गए थे। 15 अगस्त की सुबह भी ट्रेनें, घोड़े, खच्चर और पैदल लोग अपनी मातृभूमि से दूसरे देश जा रहे थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वालों के चेहरे से सारे रंग गायब थे। बताया जाता है कि बंटवारे के दौरान दोनों तरफ भड़के दंगे और हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 20 लाख तक भी बताया गया है। हालांकि कल की तैयारियां पूरे देश में अभी से शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए तैयारियां भी काफी ज्यादा हो कर दी गई हैं और ऐसे में चौक चौराहा और बड़े बड़े स्मारकों को तिरंगों की रोशनी से भी सजाया गया है, चाहे वो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो या फिर दिल्ली का कनॉट प्लेस। हर तरफ तिरंगे झंडे अभी से ही दिखने लगे हैं। यहाँ की इमारतें की भी तिरंगों की रोशनी से जगमग दिख रही हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और भवन को भी, बीएमसी भवन को भी तिरंगे से रोशन कर दिया गया है, जिसके अलावा शहर के कई अन्य जगहों पर तैयारी दिख रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तैयारी काफी जोरों से चल रही है और दिल्ली में कनॉट प्लेस का भीतरी घेरा भी स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे से जगमगा रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर पुलिस ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए शहरों में होर्डिंग्स भी लगवाए हैं। वहीं डीएसपी श्रीनगर ईस्ट मोहिद्दीन कहते हैं कि ये होर्डिंग शांति और समृद्धि का संदेश है। शहर की प्रमुख सड़कों पर इस तरह के और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। हालांकि लखनऊ में क्या तैयारियां हैं कल को लेकर, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर जी, आइए उनसे जानते हैं 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, कल को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, लखनऊ में 15 अगस्त की जितनी तैयारी होनी चाहिए सब चल रही है। इस बार 15 अगस्त की तैयारी हम लोग और अति संवेदनशीलता से कर रहे हैं। उसकी दो तीन वजहें हैं। एक वजह आपने देखा होगा, अभी हमारा श्रावण शिवरात्रि का मास भी चल रहा है, मंदिरों में भी हमारी सतर्कता है। साथ ही मुहर्रम का भी चल रहा है। मुहर्रम की पहली तारीख जैसे 11 तारीख थी, 20 तारीख को 10वीं मुहर्रम होगी, उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। आप देखेंगे विधानसभा सत्र हमारे यहाँ लखनऊ में होने वाला 17 से 24 तक, तो हमारे यहाँ तमाम कार्यक्रम इस समय आसपास सब चलने वाले हैं। इसको लेकर के जो पुलिस है पूरे लखनऊ कमिश्नरेट की, काफ़ी अलर्ट के मूड में है। इसके अलावा आपने देखा होगा, एक दो महीने पहले यहाँ पर लखनऊ में काकोरी से कुछ संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे, उसके लिए अलर्टनेस हमारी है। और बाद में कभी 10-15 दिन पहले कुछ पत्र कुछ जगहों पर गए थे जहां उन्होंने धमकी दी थी, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उनको पकड़ भी लिया, पूछताछ भी कर उनको जेल भी भेज दिया। तो हम लोग हाई अलर्टनेस मोड में है। हाई अलर्टनेस मोड होने का एक वजह और है कि कुछ महीनों बाद हमारे विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो हम लोगों ने सारे जो थाने हैं, सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको अलर्ट करके रखा हुआ है। जो जो संवेदनशील स्थान है उस पर हम लगातार चेकिंग करा रहे हैं, पेट्रोलिंग करा रहे हैं, हमारी पिकेट भी लगी हुई है और हम लोग डॉग स्क्वाड को लगा करके एंटी सबोटाज चेक भी करा रहे हैं। तो हम लोग निश्चित करेंगे कि चाहे 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, उसके आगे विधानसभा सत्र का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हो। सर, ये बात रही लखनऊ की, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वो निगरानी कैसी होगी, क्या खास निर्देश दिए गए आप? मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं तो लखनऊ के लिए बताऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फिर आप डीजीपी सर से आपको बात करनी पड़ेगी। कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगेगी? वो संख्या हमारा बदलता रहता है। जब हमारा मुहर्रम के लिए अलग संख्या है, 15 अगस्त के लिए अलग संख्या है, विधानसभा सत्र के लिए अलग संख्या है, और जब हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ी भी है, तो लखनऊ कमिश्नरेट के अलावा बाहर से भी हम पुलिस फोर्स मिलते हैं, हमारे अधिकारी मिलते हैं, हमें पीएसी मिलती है, तो जितनी पुलिस फोर्स की आवश्यकता हमें पर्याप्त मिल जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे खास जब मौके होते हैं, खासतौर से त्यौहार भी नज़दीक है, रक्षाबंधन भी अब करीब है, अपने विधानसभा चुनाव भी बताया नज़दीक है, ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं, और अगर हम खास विशेष समुदाय की भी अगर हम बात कर ले तो मुहर्रम और त्यौहार एक साथ सब पड़ रहे हैं और 15 अगस्त,
तो कितनी जटिलता आप लोगों को सामना करना पड़ता है? देखिए, लखनऊ हमेशा जटिलताओं से भरा हुआ स्थान रहा है, राजधानी है, एक ऐसे प्रदेश की राजधानी जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। आप आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में देखेंगे तो एक सातवां देश हो जाएगा। तो ऐसे देश और ऐसे प्रदेश की राजधानी की पुलिसिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, और ख़ासकर जितना डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहाँ चलती रहती है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सर ने कहा कि कल 15 अगस्त है और खासी मुहर्रम का भी सीन चल रहा है, लेकिन ऐसे में चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो उनकी पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ लखनऊ से रोहित सिद्दीकी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं जम्मू में हालिया ड्रोन हमलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को ड्रोन ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हमने उन रिकॉर्ड्स को रूफ टॉप की संख्या बढ़ा दी है जिनसे लाल किला या प्रधानमंत्री के काफिले का संभावित रूट दूर से ही दिखाई देता है। पुलिस कर्मियों से कहा गया है कि अगर वो लाल किले के पास ड्रोन या एरियल ऑब्जेक्ट को देखें तो उसे मार गिराएं, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उच्च अधिकारियों को अलर्ट तुरंत कर दिया जाए। लाल किले की परिधि में कंटेनरों की एक अस्थायी दीवार खड़ी की गई है ताकि किसानों के विरोध की वजह से किसी सिक्योरिटी ब्रीच से बचाया जा सके। कंटेनरों को स्वतंत्रता के अवसर को दर्शाते रंगों में पेंट किया गया है। हालांकि इस बार का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि 15 अगस्त को पूरे भारतीय ओलंपिक दल को लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वो पूरे ओलंपिक दल के प्रत्येक सदस्य से अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है जब ओलंपिक खिलाड़ियों को लाल किले पर आमंत्रित किया जा रहा है। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के सदस्य, सेना के प्रमुख अफसर और देश के सर्वोच्च अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं। पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपराओं को तोड़कर खिलाड़ियों को लाल किले की प्राचीर पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को लाल किले की प्राचीर पर आमंत्रित ही नहीं किया बल्कि उन्हें अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात और बातचीत के लिए भी बुलाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर सभी ओलंपिक खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से न केवल मिलेंगे बल्कि बातचीत कर उनके अनुभव भी जानेंगे। पीएम उनसे ट्रेनिंग के दौरान खास तौर पर कोरोना काल के दौरान आने वाली दिक्कतों परेशानियों को भी जानेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में बता दें सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ड्रोन की घटनाओं को देखते हुए इस बार चौकसी को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आसमान से लेकर जमीन तक और बॉर्डर से लेकर शहरों तक सुरक्षा का चक्र काफी मजबूत कर दिया गया है और इसके लिए कई टीमों को भी तैनात किया है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की जाँच करने में लगे हुए हैं ताकि आतंकियों के किसी प्लान को कामयाब ना होने दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, मैं प्रणवशी राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल कल जो है 15 अगस्त का सबसे बड़ा त्यौहार इंडिया में मनाया जाएगा, और 15 अगस्त की तैयारियों के ओर से मैं गुजरात से प्रणवशी राजपूत आपको दिखाना चाहूंगा। जिस प्रकार से मेरे एग्जिट के पीछे जो इंडियन फ्लैग है वो लहराती हुई नजर आ रहा है, खास बात बताना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर गुजरात सरकार के जो गृह डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार से गुजरात में जहां जहां पर 15 अगस्त का जो प्रोग्राम मनाया जाएगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की अनुमति दी गई है और जो सोशल डिस्टेंस है उनका पालन करना पड़ेगा। गुजरात जो गुजरात सरकार की गाइडलाइन है उनके हिसाब से सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और जो सैनिटाइज करके जो सोशल डिस्टेंस गुजरात सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए ये पूरा प्रोग्राम को मनाया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ जो गरीब लोग है वो गरीब लोग अपना धंधा रोजगार बनाया हुआ है, जो इंडियन फ्लैग है वो तरह तरह के जो इंडियन फ्लैग है यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं और वो 2 दिन के लिए उनकी रोजी अपने फ्लैग इंडियन फ्लैग को बेचते हुए अपनी रोजी कमाएंगे। और मेरे साथ ऐसे ही एक गरीब है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप कल 15 अगस्त है और हमारा सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा 15 अगस्त का, तो क्या कहना चाहेंगे? आप फ्लैग बेच रहे हो सर? ये बेच रहे अभी
ये बेच के ग्राम चला जाएंगे और क्या होगा फिर इसके बाद, कुछ धंधा नहीं है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ लॉकडाउन लगा तो कोई हमारा कोई गरीब आदमी को कोई धंधा है ही नहीं है ना, तो क्या करे, घर पर पड़े पड़े भी दो दिन के लिए बेचने के लिए आए हैं, बेच के वापस घर पे चला जाएंगे बच्चे लोग के बाद। आपको फर्क होना चाहिए क्योंकि आप इंडियन फ्लैग को बेच रहे हो, इंडियन फ्लैग को सबको देंगे और कब सब लोग कल शौक और शान से इंडियन फ्लैग को लहराएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर लेना लेना नहीं तो उसी के दिन पब्लिक के लिए अपना हिंदुस्तान में अपनों खुशी मनाने के लिए ये तिरंगा अपन देने आए हैं, हमको ज़्यादा कमाना नहीं इसमें, खाली एक दो रुपये तीन रुपये हमको मिलता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं मिलता है हमको। साथ साथ में आप लोग सबको अवेयर ना करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इंडियन फ्लैग है और तिरंगा है, तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए, सबको आप बताएंगे बेचने के बाद कि भाई तिरंगा जब भी लेके जाओ आप नीचे मत गिराना। ठीक है सर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये तिरंगा हम दे रहे हैं, ये तिरंगा नीचे रोड के ऊपर नजर नहीं आना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, हाथ के अंदर तो हाथ में रखो, घर के अंदर तो घर में रखो। तो ये देखा आपने किस तरह से गुजरात के बाजारों में रौनक देखने के लिए मिल रही है और इसी तरह पूरे देश भर के बाजारों में आज माहौल कुछ ऐसा ही है। वहीं इस बीच खबर है कि लाल किले में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों के एक खास अलर्ट पर दिल्ली पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अलर्ट के मुताबिक एंटी सोशल एलिमेंट, संदिग्ध लोग और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग दिल्ली पुलिस की वर्दी में खलबली मचा सकते हैं। वहीं अलर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर इन संगठनों से जुड़े संदिग्ध अपना झंडा भी 15 अगस्त के दिन फहरा सकते हैं। इस बीच रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और रेलवे ने भी दिल्ली जाने वाली तमाम पार्सल पर रोक लगा दिया है। रेलवे बोर्ड ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है और कुछ दिन पहले ही बिहार के दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हो चुका है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई चल रही है और ऐसे में 15 अगस्त के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधियां बढ़ती ना दिखें, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही दहशतगर्द दहशत फैलाने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इसके मद्देनजर रेलवे ने देश भर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अगले 4 दिनों तक पार्सल लाने और ले जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। वही बता दें 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे ने जहां आरटीएफ को हाई अलर्ट कर दिया है, वहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी पहले से ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर वैसे कर्मचारी जो ट्रेनों की देखभाल से जुड़े रहते हैं, उन्हें खास तौर पर सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्टेशन पहुंचने के बाद यार्ड में भेजने से पहले ट्रेन के प्रत्येक कोच की ठीक से जांच कर दें, उन्हें लॉक कर ही यार्ड में ले जाया जाए। यार्ड या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़ी खाली ट्रेनों को भी खुला ना छोड़ा जाए और उनके दरवाजे पूरी तरह से लॉक रखे जाएं। रेलवे स्टेशन परिसर के पार्किंग में खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की नियमित जाँच का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यात्री ट्रेनों में जांच अभियान चलाने की शुरुआत करने के लिए भी कहा गया है। वहीं बता दें इस बार आजादी के इस पावन पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सभी देशवासी सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाएंगे और देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और कोरोना के साए में ही स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की तैयारियां लगातार जोरों पर चल रही हैं। देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए सरकार ने 1 महीने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक जगह जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, मास्क पहनकर आना सबके लिए ही अनिवार्य होगा और सिटिंग अरेंजमेंट में भी 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख मंत्र होने के चलते इस बार के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कम लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा। तो इसी के साथ आज 4 के चक्रव्यूह में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।